हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट थीम फॉर मूवी वेबसाइट्स। देखो, आप में से काफी लोग यार रेगुलर कमेंट्स करते रहते हैं कि यार हमने मूवी वेबसाइट्स को क्रिएट करना है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि थीम कौन सा हम यूज करें। तो वही चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट्स पर यार पहले कौन सा थीम लगाता था, वो थीम कैसा दिखता था, पेड था या फ्री था, किस तरह से वो थीम का लेआउट वगैरह था, सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, अगर अभी चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार कि मैं पर्टिकुलरली वो जो थीम था वो किस वेबसाइट पे यूज करता था। तो जैसे ही आप जानते हो यार, मैंने काफी बार अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट की, ये जो मूवी वाली वेबसाइट, इसका केस स्टडी अपने चैनल पे डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लेना, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मूवी वेबसाइट से रिलेटेड मिल जाएगी। देखो, मैं पहले मूवी वेबसाइट पे काम करता था जहां से मैंने मिलियंस ऑफ ट्रैफिक भाई अचीव किया है और मैंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट किया है। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है, प्रॉपर केस स्टडी देखना जानना है भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, इस डोमेन का, तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगा कि मैं किस तरह से यार काम करता था मूवी वेबसाइट से, किस तरह से मैंने थीम को ऑप्टिमाइज किया था, कस्टमाइज किया था, प्लस मैंने कितने पैसे निकाले वगैरह, सारा कुछ मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने गजब का ट्रैफिक इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लाया था और इस वेबसाइट पे जो मैं थीम यूज करता था वही मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं, देखो थीम और ट्रैफिक को लेकर के कोई लेना देना नहीं होता भाई, ठीक है। थीम अपनी जगह और ट्रैफिक अपनी जगह होता है, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट यार एक अच्छा खासा दिखना जरूरी है अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो। और इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसे लगभग यार एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर ही दिया था भाई, ठीक है। देखो, अगर आप इस एप्लीकेशन को जानते होगे, मिस्टर मूवी इनसाइडर, तो जनरली ये आपके भाई का ही मतलब कि एप्लीकेशन था जिसे मैंने डिजाइन किया था और इसने काफी पॉपुलैरिटी भाई गेन किया था मूवी वेबसाइट्स के अंदर, जहां पे जस्ट मैंने वेब टू ऐप में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब कि ये जो वेबसाइट था ना, जो fresherrecruitment.com वेबसाइट था, इसे मैंने वेब टू ऐप में कन्वर्ट करके एक एप्लीकेशन बना दिया था जिसे मैंने प्ले स्टोर पे भी इंस्टॉल कर दिया था और काफी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट ने भाई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपनी वेबसाइट्स पे लिस्ट किया था, ठीक है। तो उस वक्त यार काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भाई हो चुकी थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हो यार, ये सारी जो चीजें होती है भाई इलीगल होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो वही यार अभी फिलहाल ये जो वेबसाइट है यार बंद हो चुका है और अब मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम नहीं करता। देखो, ये पहले मिलियंस में ट्रैफिक लेता था, लेकिन अभी इसका ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा मतलब ये पूरा खत्म ही हो गया समझ लो, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है वो सारी चीजें आपको जो केस स्टडी वाली वीडियो है ना भाई, वहां पे मैं गाइड कर दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे थीम कौन सा यूज करता था। तो यहाँ पे जो मैं थीम यूज करता था गाइस, वो था FYN थीम। और ये जो थीम है भाई, वो एक पेड थीम है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। किस तरह से इसे बाय वगैरह करना है, इसका लेआउट वगैरह किस तरह से दिखता है, बैकएंड एरिया, सारा कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पर्टिकुलरली जो थीम है वो आखिर है किस पर्टिकुलर कैटेगरी और निच के लिए। तो ये जो थीम है ना, पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है भाई एपीके वेबसाइट्स के लिए। तो अगर आप यार देखो ऐप वगैरह टाइप वेबसाइट्स पे भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए तो ये थीम भाई गजब लेवल का थीम है यार, ठीक है। इससे अच्छा थीम मुझे नहीं लगता एप्लीकेशंस के लिए कोई और होगा इंडस्ट्री में, ये बेस्ट थीम है। लेकिन आप इस थीम को ऐप के लिए नहीं बल्कि और भी अदर नीचेस के लिए कस्टमाइज कर सकते हो, और मैंने इससे रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियो सर अपने चैनल पर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। हालांकि देखो, इस थीम को अभी फिलहाल ना मैं अपने एक सॉन्ग वाली वेबसाइट्स पे यूज कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी वेबसाइट्स भी रिवील कर देता हूँ यार, जो अभी हाल ही फिलहाल में मैंने बनाया भाई, ठीक है। फिर भी इसने मतलब कि जो ट्रैफिक है भाई लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको इसका भी केस स्टडी चाहिए तो आप मुझे भाई कमेंट कर देना, देखो भाई ट्रैफिक ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं केस स्टडी आपको दे दूंगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इस पर एडसेंस है या नहीं, या इससे कितना अर्निंग मेरी हो रही है वगैरह, सारा कुछ मैं आपको उस पर्टिकुलर डिटेल वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैंने भाई इसी थीम को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो इस थीम का जो लेआउट है आपको फ्रंट एंड से कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और अगर आपकी एप्लीकेशंस की वेबसाइट है तो वहां पे और भी गजब लेवल का आप कस्टमाइजेशंस वगैरह कर सकते हो। तो मेरी एक एपीके की भी वेबसाइट है यार, उसका भी केस स्टडी बहुत जल्द मैं आपको दूंगा, तो उस पर जो इस पर्टिकुलर थीम का जो लुक है यार और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। अगर मैं आपको पोस्ट दिखाऊं पर्टिकुलरली खोल करके, तो देखो इसका जो पोस्ट है कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, जो पोस्ट का लेआउट है आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो वगैरह सब कुछ एम्बेड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की आपको बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, तो आपका जो लेआउट है मतलब कि पोस्ट का आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हालांकि देखो, यहाँ पे पूरा जो ऐप का जो पैटर्न होता है ना, वही सारी चीजें यहाँ पे देखो, अपडेट,
साइज रिक्वायरमेंट, लेकिन इसे मैंने जल्दी सॉन्ग की तरह से मतलब कि मॉडिफाई कर दिया, कस्टमाइज कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सारी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। कस्टमाइजेशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता देना है भाई, इसके ऊपर भी मैं वीडियो दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यार मैं इसी तरह की डिटेल वीडियो बनाता रहता हूँ भाई, ठीक है। इस तरह की वीडियोस ना आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा जो आपको सारी अंदर की बात बताएगा, ठीक है। तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना भूलना मत, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये ऐसा कुछ यार इस पर्टिकुलर थीम का लेआउट दिखता है, इसे और भी आप काफी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। इसका मैं बैकएंड भी आपको दिखा देता हूँ, वहां पे क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका जो बैकेट है गाइस आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी जो मेरे पास वर्जन है वो 2.0.10 है, ठीक है। हालांकि ऑफिशियली यहाँ पे देखो 2.0.13 यहाँ पे वर्जन है गाइस वो अपडेट हो चुका है, लेकिन मैंने 10 इंस्टॉल कर रखा है, 12 का भी मेरे पास है। मैं लॉग इन करके भी आपको दिखा देता हूँ, इसे मैंने पर्सनली यार बाय किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट वैल्यू है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो आप वहां से कर सकते हो। और बाय करने के लिए आपको किस मेथड से बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनली चीजें हैं भाई ये सब चीजें, तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो 2.0.10 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो इसमें देखो आपको बैकेंड में कुछ ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे यहाँ पे देखो आपको एडवर्टाइजमेंट का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने एड्स को भी प्लेस कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है यार, ठीक है। इसमें आपको यार मतलब कि एक्स्ट्रा जो एड जो सेटअप प्लगइन्स होते हैं ना उसे आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने थीम में। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको काफी सारे सेक्शन मिल जाते हैं। देखो हेडर में आप लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में, साइड बार में, हर जगह यहाँ पे डाउनलोडिंग बटन वगैरह सब जगह आपको एड का जो स्लॉट है आपको मिल जाएगा। तो काफी अच्छा थीम है यार, ठीक है, काफी बेस्ट थीम है भाई, ठीक है, और बहुत ही इजी टू यूज है। आपने यार काफी सारे और भी मूवीज की थीम्स वगैरह देखा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लेंथी और हैवी होता है, तो वहां पे इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है, ठीक है। तो उन सब चक्करों से अगर आपको बचना है तो इस थीम का आप यूज करो। हालांकि ये एपीके के लिए डिजाइन है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से किसी भी नीचे के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट थीम है भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लॉग का भी सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह भी पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो होम में आपको और भी काफी सारे चेंजेस वगैरह करने हो तो वो आप कर सकते हो। तो काफी कुछ और यहाँ पे एक और कमाल के फीचर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्ट कॉन्टेंट गूगल प्ले। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो थीम है भाई वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है एपीके एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे उसका एक कमाल का फीचर है इंपोर्ट कंटेंट गूगल प्ले, मतलब कि आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली जितने भी एप्स एप्लीकेशंस है सभी को अपने वेबसाइट्स पे भाई इम्पोर्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस वहां से लिंक कॉपी करना है, यहाँ पे डालना है और इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है, पूरा का पूरा भाई डेटा आपके वेबसाइट्स पे इम्पोर्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसा ही एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है, वो सब भी कुछ इसी तरह से काम करती है। जैसे ये एक वेबसाइट है भाई देखो apkmonk.com, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आप एप्लीकेशंस वगैरह देख रहे हो ना सारा का सारा एप्लीकेशन भाई प्ले स्टोर से इम्पोर्टेड है, ठीक है। देखो आप किसी भी एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गूगल प्ले स्टोर का यहाँ पे लिंक आता है, इस पर आप क्लिक करो और डेटा प्रॉपर इससे और जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे डेटा था पूरा आप मैच कर सकते हो, सारा कुछ आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यार बड़ी बड़ी वेबसाइट्स काम करती है इस तरह के थीम्स वगैरह को यूज करके। तो अगर आप एक बार इस पर्टिकुलर थीम को बाय कर लेते हो तो इसके काफी सारे फायदे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको देखो फोर्स नहीं कर रहा कि आपने भाई इसी थीम को लेना, मैं जो यूज करता था अपनी वेबसाइट्स पे और अभी भी मैं काफी सारी वेबसाइट्स पे इसी थीम का यूज करता हूँ वही मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से भाई चेकआउट कर लेना। मैं आपको इसका लॉगिन भी दिखा देता हूँ, यार मैंने इसे बाय किया भी है या फिर ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर यहाँ दिखाई देता हूँ, ठीक है, और इसे बाय कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे थोड़ा आप इजिली बाय भी कर पाओगे इस थीम को, क्योंकि यार देखो इंटरनेशनल चीजें होती है तो इंडियन का जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भाई वो काम नहीं करता है, तो फिर हम इस तरह के जो भी थीम्स प्लगइन्स होता है भाई वो बाय नहीं कर पाते, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको बाय करना। तो यहाँ पे जैसे कि आप दिख पा रहे हो मैं लॉग इन हो चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपना परचेस हिस्ट्री भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो भाई, देखो 34.99 मतलब ये $35 के आसपास समथिंग मैंने इसे बाय किया था, और अभी जो मेरे पास वर्जन है ना भाई वो यहाँ पे देखो 2.0.12 वर्जन में अभी फिलहाल इसे भी डाउनलोड करके अपने वेबसाइट्स पे यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया ना 2.0.13 इसमें और भी कमाल के काफी यूनिक फीचर्स है, तो
इसको यार आपको एक्स्ट्रा फिर बाय करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ना ये जो ऐप ओएन 2.0.12 वर्जन है इससे ही आपका काम चल जाएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इन फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आप इसे और थोड़ा सा पैसा लगा के फिर बाय कर सकते हो 13 वर्जन भी। इसमें आपको और भी काफी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। हालांकि ये जो पर्टिकुलर थीम जैसे मैंने आपको बताया था एपीके वेबसाइट्स के लिए, तो एपीके से रिलेटेड काफी सारे यूनिक फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर वर्जन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस थीम को भाई बाय करना किस तरह से, ठीक है, आपको कौन सा मतलब ये पेमेंट गेटवे यूज करना है। तो इसे बाय करने के लिए यार आपको जरूरत पड़ेगी भाई पेपल अकाउंट की, ठीक है। तो अगर आपके पास भाई पेपल का अकाउंट नहीं है तो यार बना लो, वो बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो क्रिएट कर लो, उसके थ्रू फिर आप इस पर्टिकुलर थीम को यार बाय कर सकते हो। देन आई होप यार आज की ये वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो, और आपकी एक जो कंफ्यूजन थी ना कि कौन सा थीम हम अपने मूवी वेबसाइट्स के लिए यूज करें, वो आई थिंक यार आपकी मतलब कि सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। तो आप इस थीम का यार बेझिझक यूज कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। काफी ज्यादा लाइट वेट है और काफी इजी टू यूज है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना जब थीम्स वगैरह में, तो थीम्स काफी ज्यादा हैवी भी हो जाता है यार, और वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, ठीक है। देखो मैंने काफी प्रीमियम थीम्स वगैरह भी यूज किया, लेकिन भाई इससे अच्छा थीम मुझे नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने भाई अपने मूवी वेबसाइट सॉन्ग वेबसाइट वगैरह के लिए कस्टमाइज कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कस्टमाइज किस तरह से आपको करना वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।